सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग खेलेंगे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो जैसे कि आपको पता है, कितने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो मैंने टीडीएम किस लिए डाली, क्योंकि गेम प्ले जब भी मैं रिकॉर्ड करता था, मैच खेलता था, ये रैंगल लिविक सब में हैकर्स आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, जब से ये एस मास्टर ये एस वो आया ना भाई, सब हैक करके लाने लग गए हैं। तो अब ऐसा ही बस, अब क्या कर सकते हैं, सब लोग हैक करके ला रहे हैं। और इस गेम प्ले में भी शायद हैकर ने मारा है, अपनी गलती से मारा हूँ, को ढंग से याद नहीं है। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं किसी देरी के। तो गाइज, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं डीएस गेम की वॉइस सुनाऊँगा, मतलब अब इस वीडियो में नहीं सुनाऊँगा। इस वीडियो में अगर 100 लाइक्स आ गए तो फिर मैं आपको डीएस गेमिंग की वॉइस एंड साथ में फेस रिवील भी दिखाऊंगा। बस देखते रहना, मतलब कि आप लाइक कर देना, उसका फेस रिवील भी दिखेगा और वॉइस भी दिखेगी, वॉइस सुनने होगी और फेस रिवील दिखेगा। तो अब बस आगे बढ़ते हैं वीडियो के। तो गाइस, सामने वाली बिल्डिंग में बंदे थे, तो मैं क्या कर सकता था, तो मैं नीचे गया था। तो बाद में जाके मैं वहाँ से एम लगा रहा था कि कोई दिख जाए, लेकिन नीचे फुटशप्स आने लग गई थी, तो फिर मैं नीचे की ओर देखने लगा। तो एक ही फुटशप्स आई थी, उसका टीममेट भी वहाँ, तो मैंने सोचा कि जाके उसका टीममेट देखता हूँ, अगर आएगा तो उसे मार दूंगा, इजीली किल कर दूंगा। लेकिन डीएस गेमिंग ने कहा कि नीचे दो दो फुटशप्स आ रही, लेकिन मेरे मैप में एक आ रही थी। तो गाइस, मैं यहाँ पर भी कैंप करूँगा, देखना, मैं पहले देख रहा था। तो डीएस गेमिंग भी आ गया, उसने कहा नीचे दो फुटशप्स, इसलिए मैं कैंप कर रहा था। तो जैसे ही वो घुसेंगे हम पेल देंगे, बताओ हमने मारा कि नहीं मारा। तो एक घुस गया था, मैं इसकी पीपी से गाइस बॉर्डर गया था, और एक नॉक डीएस गेमिंग ने निकाला, डीएस गेमिंग खुद नॉक हो गया था, और बाद में मैंने पेल दिया था सबको, तो सबको मार दिया था। अब डीएस गेमिंग को रिवाइव देना था, और डीएस गेमिंग बोल गया पागल हो गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस चुप रहता हूँ। तो हमने यहाँ पे टी चमका दी, उसे रिवाइव दे के लूट ले ली अच्छी खासी। मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं, कोई बंदा होगा शायद वहाँ, लेकिन गाइस कुछ कोई भी बंदा मेरे को यहाँ नहीं मिला। मैंने सब जगह देख ली, कोई भी नहीं मिला, इसलिए हमने सोचा बाइक लेके निकलते हैं यहाँ से। तो बाइक की ओर चलते हैं गाइस, और फिर चलते हैं हम पुचिंकी की ओर। तो अभी हम जाएंगे गाइस पुचिंकी डीएस गेमिंग और मैं। तो अब बैठ गए हैं गाइस, इसे देखो, वाह वाह गाइस क्या कर रही है, पता नहीं क्या है। चल छोड़ो, अब हम चलते हैं जीप से। चल भाई आजा, बैठ जा, बैठना। अरे बैठता कि नहीं है, हाँ चल बब्बी नहीं बैठा, बैठ जा, हाँ बैठ गया अच्छी तरह। तो चलो अब चलते हैं हम पुचिंकी। तो गाइस, अभी यहाँ पर बंदे आ गए थे एकदम से, मैंने एक को नॉक भी कर दिया था, तो एकदम से मैं वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था। तो गाइस, मैं दोनों को ले गया था, मैं गलती से बोल दिया कि एक नॉक कर दिया था, मैं वीडियो स्टार्ट करना भूल गया और मैं ले गया था उनको। तो आप कल देख सकते हो, 5 हो गई थी ना मेरी, क्योंकि तब मेरी शायद 3 थी, हाँ 3 होंगी। तो फिर ये हो गई, अब 5 होगी। मैंने यहाँ पर अभी 2 बंदे मारे और डीएस गेमिंग को रिवाइव भी दे दिया, उसके पास हेल्थ नहीं थी, इसने मेरे से बोला नहीं और लूट लेने चला गया। तालियाँ होनी चाहिए, ऐसे होते हैं टीममेट्स, सीधा लूट लेने चला गया, इन्हीं की हेल्थ भरे पहले और फिर लूट लेने जाए। तो मैंने यहाँ से इसके ग्रेनेड्स उठा लिए थे, तो मैं इससे एमओ मांग रहा था थोड़ी बहुत की मिल, डे 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 M4 मिली कहीं से, पर उसने बोला कहीं भी नहीं मिली। तो गाइज, अब मैंने लूट पाट सब कर लिया था, EX6X मैंने पता नहीं क्यों ले रखा था, मेरे खुद को नहीं पता। तो अब मैंने यहाँ से थोड़े बहुत स्मोक्स लेने आया हूँ, तो उठा लेते जल्दी से, उठा लिया, एक ही उठा पाया मैं, बस अब क्या कर सकते थे। तो जल्दी से चलते हैं गाड़ी। तो गाइस, यहाँ एक बोट, ओहो बोट की मूवमेंट देख सकते हो, बोट की मूवमेंट, वो बोट से प्रोन होने लगती है। तो चले अब निकलते हैं यहाँ से। तो पुचिंकी देखते हैं, कोई है पुचिंकी की तो गाइस, पुचिंकी की कोई भी नहीं दिखा। तो अब आगे हम गए थे, तो हमें भी कोई भी नहीं दिखा था गाइस, यहाँ आगे भी हम गए, कोई नहीं दिखा। और यहाँ पर मैं ऐसे घुमा रहा था कैमरे, कोई भी मिल जाए, पर कोई भी नहीं, सीधा यहाँ पर बैंड खुद गई कार और हादसा हो गया, कार के अंदर से धुआं भी निकलने लग गया था, और बैंडेज लगाई मैंने, फिर बाद में सिरिंज भी, फिर बाद में मैंने
यहाँ पर डेंजर जोन भी बन गया था, तो फिर अब हम कूद रहे थे अंदर जा पर जा ही नहीं पा रहे थे, तो फिर कार हम अंदर घुस ही गए थे। तो अब यहाँ पर ऐसे ही मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, मैंने सोचा कोई दिखेगा, कोई भी नहीं दिखा, पता नहीं सब कहाँ छुपे बैठे अपने मस्त में। शीशे तोड़ने लग गया फिर मैं, क्या कर सकते हैं गाइस, क्या अपने मस्त में। तो अब जल्दी से डेंजर जोन ख़त्म हुए तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से फिर बाद में। चलो जी डेंजर जोन ख़त्म कब होएगा, कब होएगा, कब होएगा, कब ख़त्म होएगा भाई डेंजर जोन, कब ख़त्म होएगा बे। इतना टाइम कौन लगाता है डेंजर जोन, कौन सा डेंजर जोन लगा देगा इतना टाइम। तो गाइज हो चुका है डेंजर जोन ख़त्म, ये हटी नहीं रहा था डीएस गेमिंग। तो चलिए गाइज यहाँ गाड़ी फूटी हुई थी हमारे, इससे निकल गए थे। तो हम यहाँ से सीधे जाएंगे अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट्स में अब देखना बस हमारे साथ हुआ तो क्या, आपके साथ नहीं ऐसा कुछ तगड़ा हो गया, तगड़ा भी हुआ बस ऐसे फाइट हुई थी। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अब अपार्टमेंट की, और हमें हमारी गाड़ी वैसे ही जली थी, कोई बोल्ट भी मार देता तो हम वैसे ही फूट जाते। तो यहाँ पर सीधा हमारी कार के ऊपर फायरिंग होने लगी, तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ रुक कर, यहाँ एक और कार आ गई, बाद में सीधे ऊपर गए या नीचे हमें पुशअप्स आने लगी, हमें लगा कि छत पे है इसलिए, लेकिन मैं इस कमरे में आया कि नीछे से कोई आएगा, लेकिन डीएस गेमिंग ने बोला छत पे है, इसलिए हम जल्दी से तेज तेज भाग के ऊपर गए, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। मैं फ्री फायर देते हुए दूसरे भी जगह पर गया, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं मिला, लेकिन M4 से डीएस गेमिंग ने नॉक कर दिया था, तो उसने कहा वहाँ, इसलिए मैंने ऐसी फ्री फायर दिया कि वो इसे फिनिश ना कर पाए। तो नीचे भी एक बंदा था, आगे से भी एक बंदा आया था, और ये हिल के एक तो हम रिवाइव खुद हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। तो फिर अब वो नीचे से पुश कर रहा था और ये रिवाइव होता, बताओ मैं क्या करता। तो गाइज अभी बीच में मेरी वो जो वॉइस ओवर हो रहा था मैं वो रुक गया था, तो वहाँ से एक बंदा पुश कर रहा, मैंने उसे मारना लेकिन को, लेकिन मैं खुद नॉक हो गया। मैं कोशिश, मैंने उसे बहुत करी मारना, इसने डीएस गेमिंग को नॉक करा और इसने मेरे को नॉक करा। फिर डीएस गेमिंग यहाँ एक बंदा आया, उसने मार दिया मतलब बच्चा बोल, मैं खुद को नहीं समझ आ रहा, डीएस गेमिंग ने उस सामने वाले बंदे को मार दिया। वो नीचे वाला अंदर भी पुश नहीं करेगा, मेरे को पता था क्योंकि वो हेल्थ बढ़ रहा था, क्योंकि मैंने उसे डैमेज दिया था, मेरे को साफ साफ पता था। तो फिर उसका टीममेट यहाँ से नीचे कूद गया था, हमें नहीं पता था, फिर एकदम से उसका टीममेट आया और बस। इसमें डीएस गेमिंग की भी हेल्थ देखो उसने कितनी खाली थी, हमको लग रहा था हमारा गेम यहाँ ही ख़त्म होएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ था। मैंने अपनी घर से रिलोड करी, मैंने पेन क्लर किया, फिर एकदम से नेड आएगा अभी सामने, तो वो देखो गाइस अभी इससे मेरी हेल्थ देखो बाद में, अब देखना। मैं जैसे ही बैंडेज भर रहा था मेरे को लगा एक और नेड आया, इसलिए मैं सीधा अभी थोड़ी देर में आगे भागूंगा। तो जैसे ही डीएस गेमिंग पीछे गया मेरे को लगा कौन नेड आया, इसलिए मैं यहाँ जाके हेल्थ भरने लगा, लेकिन मेरे को वहाँ इसका वो टीममेट नॉक हुआ मिल गया, मैंने उसे सीधा फिनिश कर दिया। तो सीधा मैं बैंडेजेस भर रहा, तो गाइस ये देखना बार बार ये मेरे पीछे ही आता रहेगा, डीएस गेमिंग अभी देखना ये पीछे ही आता रहेगा, अभी देखना जहाँ मैं जाऊँगा वहीं आएगा। मैंने फ्री फायर ऐसे ही दिया था कि यहाँ पर अभी आएगा आएगा, पर ये आया ही नहीं, बेफालतू में फ्री फायर मेरा गया खट लास। तो यहाँ पर मैं देख रहा कि वो यहाँ ही कहीं ना हो, यहाँ कहीं मिल जाए मिल जाए, वो यहाँ कहीं भी नहीं मिल रहा मेरे को। तो जैसे ही यहाँ नेड आया उसकी इतनी कम एच पी हो गई भाई साहब, मैंने ऐसे ही एक नेड फेंक दिया बिना कुक करे, और ये डीएस गेमिंग मेरे सामने आके खड़ा हो गया तालियां, और वहाँ पर ही नेड फट गया। हमें लग रहा था कि हम मर जाएंगे, लेकिन हम भाग के आ गए, पता नहीं किसने स्टन ग्रेनेड फेंका। तो अब देखना गाइस वो बंदा यहाँ से भी कैसे नीचे कूदेगा, वो देखो कैसे कूदा यार, कैसे वो कहाँ से कूदा मेरे को खुद नहीं पता, वो नीचे वाली खिड़की से कूदा है फिर हमारे उस पार कूदा है, पता नहीं कहाँ से कूदा है। और यहाँ पर ये वाला नेट फट गया, और अभी देखना कहाँ से मारा गाइस इसने, कहाँ से मारा पता नहीं, और डीएस गेमिंग का भी गेम खलास हो गया। तो पता नहीं कहाँ से मारा, और ये मेरे को मोड दिखाई जा रहा था, तो गाइस पता नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।